पड़ रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद की भावना किस तरह जगी, जैसे पूरे विश्व में यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण धीरे धीरे में राष्ट्रवादी आंदोलन होने लगे, ठीक उसी समय में भारत में भी राष्ट्रवाद की भावना जगनी शुरू हो गई और राष्ट्रवाद के लिए राष्ट्रवादी नेता यहाँ से नेतृत्व के लिए आए और उनके नेतृत्व में यहाँ के जो बड़ी जनसंख्या समूह थी उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू करने शुरू किए थे। तो राष्ट्रवाद के निम्न कारण थे हमारे भारत में, लेकिन उसमें एक प्रमुख कारण था राजनीतिक कारण, चूंकि कहीं ना कहीं हमारे जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो राजनीतिक कारण से कहीं ना कहीं मिलते जुलते थे। राजनीतिक कारण, राजनीतिक शासन ही उसका कहीं ना कहीं मूल था, यानी राजनीतिक शासन के कारण ही ब्रिटिश के शासन के खिलाफ ही और उसके शासन के कारण ही यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना जगी। इसमें बहुत सारे ऐसे कारण थे राजनीतिक कारण जिसमें राष्ट्रवाद की भावना जगी। 1858 में महारानी जो थी विक्टोरिया इंग्लैंड की, उन्होंने घोषणा की और उनके घोषणा के बाद पूरे देशी राज्य जो थे, जो देशी राज्य थे हमारे देश में जो छोटे छोटे राज्य होते थे, वो सारे एक देश के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य में समाहित हो गए, यानी उन सब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गए, उनके अंतर्गत हो गए। तो उस समय तो भारत का एक लगा कि भारत पूरी एकीकरण में आ गया, लेकिन उनके शोषण के खिलाफ जब यहाँ पे आंदोलन शुरू हुए तो उस आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने बहुत सारे ऐसे दमन चक्र चलाए, दमन जिससे बहुत सारे लोगों को मारा गया, कई सारे दमन कर दिए गए, इस तरह के शोषण किए गए, इस तरह के दमन चक्र चलाए गए जिससे उसे शासन अपना चलाना चाहा और उसी दमन चक्र के कारण धीरे धीरे यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी। 1877 में वहां के तत्कालीन जो हमारे यहाँ के वायसराय थे लॉर्ड लिटन ने, उन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस से पारित कर दिया। 1879 में आर्म्स एक्ट पारित किया जिसमें आर्म्स एक्ट में कहा गया कि इसमें भारतीयों को अस्त्र शस्त्र रखना वर्जित है, यानी भारतीय अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकते हैं। 1883 में इलवर्ट बिल का पारित होना मिला राष्ट्रवाद को बल का, इलवर्ट बिल 1883 में इसमें कहा गया कि जितने भी भारतीय यूरोपीय लोग हैं इनकी जो भी फौजदारी मुकदमे हैं वो विशेष अदालत में सुनी जाएंगी और इसका जज हमेशा कोई ब्रिटिश अधिकारी रहेगा, यानी ब्रिटिश अधिकारी हमेशा जज रहेगा और वही इसकी सुनवाई करेगा। तो इस बिल के आधार पर ब्रिटिश जज से वो जिस प्रकार चाहते थे उस प्रकार के काम कराते थे, जिसको चाहते थे उसको दबाते थे, यानी वेदनाओं को भी सजा दे दिया जाता था, इस तरह की तमाम चीजें थी। उसी तरह उन्होंने 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉर्पोरेशन बिल पारित किया जिसका नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, यानी उसमें कलकत्ता जो कॉर्पोरेशन थी उसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कम और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। यानी कहने का मतलब ये था कि निर्वाचित होते थे भारतीय लोगों की वोट से तो उनकी संख्या कम कर दी गई और गैर निर्वाचित थे जो निर्वाचित नहीं थे जिनको अंग्रेज अपने आप से बना देते थे, अपने अधिकार से वो लोग बना देते कि हाँ आप इसमें सदस्य हो गए, तो उनकी संख्या बढ़ाई गई। तो उनकी संख्या बढ़ाने से अंग्रेज जितने चाहते थे उतने अपने लोगों को वो कॉर्पोरेशन में उनको पद पर बैठा देते थे, ये भी एक था। उसके बाद 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण कर दिया गया, यानी विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण किया गया और सरकारी नियंत्रण के अनुसार जिस तरह की शिक्षा चाहिए उस तरह की उन्हें शिक्षा देते थे, एडमिशन जिस तरह की चाहते थे उस तरह की एडमिशन देते थे। तो ये सारे तमाम कारण थे। उसके बाद 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन ने किया, लॉर्ड कर्जन ने, तो कर्जन के द्वारा सांप्रदायिक आधार पर यह तर्क देते होगा कि इससे प्रशासनिक सुविधा होगी, यानी लॉर्ड कर्जन ने कहा कि उन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, यानी बंगाल और बिहार उड़ीसा अलग हो गए, तो बंगाल विभाजन उसने ये कहा इसमें प्रशासनिक सुधार नहीं, यानी इसमें शासन करने में हमको सहूलियत होगी, यह कहकर उसने बंगाल का 1905 में विभाजन कर दिया। ये भी एक राष्ट्रवाद की भावना जगने में प्रमुख आपको कारण था, इसके कारण राष्ट्रवादी लोगों में रोष पैदा हुआ और वो बल उनको मिलता चला गया। आगे चलकर 1911 में ब्रिटिश सरकार को इस पर इसको रद्द करना पड़ा, 1907 ईस्वी का देशद्रोही सभा अधिनियम सभाओं को रोक लगाने के लिए, यानी 1907 में उन्होंने एक और नियम बनाया, एक अधिनियम बनाया देशद्रोही सभा आयोजित करना, यानी इसके
द्वारा देशद्रोही सेवा अधिनियम, इसके द्वारा कोई भी भारतीय नेता या कोई भी राष्ट्रवादी नेता सभा नहीं कर सकता था, देश के विरुद्ध कोई सभा नहीं कर सकता था, इस तरह के उसने नियम बनाए। 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट उन्होंने लगाया, 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट लगाया, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तेजित यानी प्रेरणा स्रोत, लोगों को प्रेरणा देने वाले, लोगों को उत्तेजित करने वाले अगर लेख छापते हैं कोई अखबार, तो उनको दंडित किया जाएगा। यानी कोई भी ऐसी लेख नहीं छपेंगे जिसमें यहाँ के लोग उत्तेजित हों, राष्ट्रवाद की भावना उनमें अंदर जगे, इस तरह की कोई लेख नहीं छपेगी। अगर ऐसा कोई लेख छापता है अपने अखबार में तो उनको दंडित किया जाएगा। तो इस तरह की होगा। उस पर डलहौजी की संरचनात्मक प्रेरणा से भारत में रेलवे टेलीग्राफ लाइन व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था की शुरुआत हुई। डलहौजी के द्वारा निश्चित संपूर्ण क्षेत्रों को बीच में एक दूरियां कटने लगी, यानी रेलवे टेलीफोन की व्यवस्था होने के बाद यहाँ पर उनकी शासन करने की जो दूरी थी वो बढ़ती चली गई। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो हथियार ले जाते थे, लोगों से मिल सकते थे, बात करके अपना काम चला सकते थे, तो इस तरह की उनसे अपना काम करना उनके लिए आसान हो गया। और स्थानीय समाप्त हुई, एक केंद्र दूसरे केंद्र से जुड़े, एक राज्य दूसरे राज्य से जुड़ा, इसके राष्ट्रवाद के विकास में सहायक बना। यानी अब जो एक स्थान था इसी स्थान पर सभा होगा, अब वो चीज खत्म हो गया। टेलीफोन से अलग अलग रखकर भी हम बात कर सकते थे, रेलवे से अलग अलग रखकर भी वो जा सकते थे, मिल सकते थे, एक कोई केंद्र नहीं रहा। और यही था कि राष्ट्रवाद को और प्रभाव बल मिला, कि आसानी से ये काम हो सकता था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति ने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने राष्ट्रवाद यानी अंग्रेजी में शिक्षा नीति थी, 1835 में उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा नीति लाई थी। उसके बाद उन्होंने शिक्षा नीति में और सारे कई सारे परिवर्तन किए गए थे, कई विश्वविद्यालय कॉलेजों की स्थापना की। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी विषय में शिक्षा दी जाएगी, उच्च विद्यालयों में, उच्च शिक्षा संस्थानों में अंग्रेजी में ही माध्यम होगी, यानी वैज्ञानिक तरीकों की शिक्षा दी जाएगी। जो विदेशों में ब्रिटिश शासन काल में जो इंग्लैंड में जो शिक्षा दी जाती थी, उसी प्रकार की शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी। अब उनका शिक्षा देने का एकमात्र सोचना ये था, विचार ये था कि शिक्षित करके हम लोगों को अपने पद पर रखें और अपने अनुसार हम उनको काम करवाएं। क्योंकि वो जब शिक्षा देते थे तो लोग ये मानते थे कि ब्रिटिश ही अच्छे हैं। जब यहाँ के लोग शिक्षा लेते थे उस तरह की, तो उनके दिमाग में आता था बात कि ब्रिटिश ही अच्छे हैं, वो लोग अच्छी रक्षण है, वो अच्छे लोग हैं, उनकी अच्छी पढ़ाई है, और इसी कारण वो यहाँ के लोगों से घृणा करने लगे थे। तो वो शिक्षा को लेकर भी बहुत सारे छात्रों ने आंदोलन में कूदे, और वो भी एक कारण था राष्ट्रवाद को बल देने के लिए। उसके बाद मानवतावाद, व्यक्तिगत, यूरोपीय पुनर्जागरण, फ्रांस की राजनीति, इटली, अमेरिका का स्वतंत्रता सेना, ये भी चीज हमारे राष्ट्रवाद को भावना को जगाने में सफल है। क्योंकि उस समय अन्य देशों में, यूरोपीय कंट्री में, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सब में क्रांति हो रही थी, राष्ट्रवाद की भावना जग चुकी थी, राष्ट्रवादी क्रांतियों के कारण वहां का एकीकरण हो चुका था। तो उससे भी वो भावना यहाँ पर जगी, उसको देखते हुए यहाँ पर उस तरह की भावना जगी कि हमारे अपने देश को भी औपनिवेश से मुक्त कराना है, उपनिवेश से मुक्त कराना है, और यहाँ भी राष्ट्रवादी आंदोलन जरूरत है। लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू रूसो के विचार से प्रभावित हुए, जहाँ के लोग रूसो और लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू जो थे उनके विचारों से भारतीय लोग प्रभावित हुए। अब वे अपने उत्तरदायी नवीन कानूनों से अवगत होकर अविचार की बात करने लगे, यानी वो उनके विचार से सहमत हुए, उनके विचार को उन्होंने माना भारतीय लोगों ने, और भारतीय जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके नेतृत्व में इन्होंने लगा कि हम अपने नेतृत्व में आंदोलन करके हम उपनिवेश को मुक्त हो सकते हैं, उपनिवेश से मुक्त हो सकते हैं, और हम अभी नए भारत की गणना कर सकते हैं, नए भारत रचना कर सकते हैं, नए भारत एक बना सकते हैं, उसको स्थापित कर सकते हैं। और इस कारण यहाँ पर राष्ट्रवादी नेताओं ने जन्म लिया। ऐसे ऐसे कई राष्ट्रवादी नेता हुए जिन्होंने अपने हंसते हंसते अपनी बलि चढ़ा दी, या अपनी राजनीतिक सोच के कारण, अपनी राजनीतिक स्थिति के कारण अंग्रेजों को उन्होंने यहाँ से मार भगाया, अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ दिया, और यहाँ पर एक गणतंत्र, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ, और एक भारत के गणतंत्र के रूप में पहचान मिली, और भारत 1947 में जाकर सफल हो पाया। तो ये राजनीतिक कारण थे। जो सबसे प्रमुख कारण था, अनेकों तरह का अंग्रेज यहाँ नियम कानून बनाकर थोपने का प्रयास करते थे भारतीयों पर। यानी जब भी वो चीज की जरूरत पड़ती थी उस तरह कानून बनाते थे,
जब भी लगता था कि प्रेस में छाप रहे कुछ तो प्रेस एक्ट बना देते थे, लगता था कि कृषि में लोग तो कृषि एक्ट बना देते थे, यानी हर तरह का कानून बनाकर वो लाते थे और वो शोषण करते थे। और यही कारण था कि धीरे धीरे यहाँ राष्ट्रवाद की भावना जन्म लेने लगी और राष्ट्रवादी नेता निकल कर सामने आने लगे और पूरे देश में देखते देखते राष्ट्रवाद की भावना फैल गई और एक बड़ी क्रांति का रूप उसने ले लिया और तब जाकर हमारा देश आजाद हुआ, भारत का एकीकरण। तो ये था आपको भारत में राष्ट्रवाद का कारण, राजनीतिक कारण। अगला टॉपिक आप लोगों का आर्थिक कारण है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। ये वीडियो का इसमें मैंने जितना भी टॉपिक बताया है, सर बताया है, वो आप लोगों को बहुत इंपोर्टेंट है, आप लोग सुन के लिख सकते हैं या किताब है तो उसका सारा लेकर लिख सकते हैं, आपको याद कर सकते हैं, आपको एग्जाम में और किसी टाइप क्वेश्चन में बहुत ही इंपोर्टेंट है, पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे आप लोगों को अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।